अल्मोड़ा में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल शहर की जाखन देवी में शिविर लाइन का कार्य चल रहा था, जिसके निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल को बेस हॉस्पिटल भेजा, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक के भाई का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने गलत दिशा में आकर बाइक सवार उनके भाई को कुचल दिया। उन्होंने मुआवजा समेत दोषियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़े में जाखन देवी के पास सिविल लाइन का कार्य चल रहा है, जिसे कार्यदायी संस्था और जल निगम करा रही है, और उनके द्वारा अल्मोड़े को आते वक्त वहाँ पे सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि वो सीसीटीवी में वो रुके थे, वहाँ पे खड़े थे, और वो ट्रैक्टर ने रॉन्ग साइड आके पूरा दीवार पे उन्हें चिपका दिया, मार दिया है। और ये ना कार्यदायी संस्था पहुँची है, ना जल निगम का कोई कर्मचारी पहुँचा है। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बेस हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना के संबंधित एक व्यक्ति, इसका नाम हरीश सिंह बिस्तिया है, को घायल अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया। वहाँ से बाद मेमो आया, मेमो के बाद मैं मौके पर गया। मौके पर तो उसकी मृत्यु व्यक्ति की जो वहाँ रखा गया था, क्या कहते हैं, मोर्चरी में रखा गया, उसकी बात करके उसके बाद मेरे द्वारा उसकी मौके पर पंचायतनामा की कार्रवाई कर बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दूँ।